मैंने उनको ऑफर किया 100% कंसेशन फॉर बीएड पर्पस। आज की मैं बात कर रहा हूं 100% बीएड के लिए। जब तक हमें कम से कम सिर्फ इंडस्ट्री को 20-25,000 देना पड़ता है फी, जो हम फी कलेक्ट कर रहे हैं जिनको बीएड करना होता फ्रॉम 20-25,000, और उसकी और दो लड़कियां वो मुमका में पढ़ती हैं दरसगंज में, एक शायद 6th और एक 8th। मैंने उनको ऑफर किया आइए आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने ऐसे स्टार्ट किया है। जैसे बच्चे मैंने बता दिया हम टॉप पे थे, फिर डाउन हो गए, हम मिडिल क्लास के थे, मेरा फादर टीचर था। पहले शुक्रिया आपका मैं अदा करूंगी कि आप लोग यहाँ पे आए। तो इसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो दिस वाज एन इवेंट विच वाज हेल्ड एट दिल्ली होटल रेडिसन गुड़गांव में। तो ये जो प्रोग्राम था इसके लिए हमने नॉमिनेशंस भेजी थी एंड देयर वर लॉट ऑफ स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया जो इसके लिए कॉम्पीट कर रहे थे एंड सम ऑफ द स्कूल्स इवन फ्रॉम नेपाल एंड यूएई एंड अदर गल्फ कंट्रीज जो एफिलेटेड है सीबीएसई के साथ। एंड दे हैड टू जस्ट फाइनलाइज अराउंड 100 स्कूल्स। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वी वेर अमंग्स द 100। तो नॉमिनेशन तो बहुत सारों की थी बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कैसे हम शुक्र करें कि हमारा भी स्कूल इस छोटी सी जगह से, ये छोटा सा स्कूल भी इन सब स्कूलों में पूरे हिंदुस्तान में नवाजा गया। रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स। देयर वर टू कैटेगरीज, वन वाज द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ the management in terms of who is running the institution and as well as how the school overall is functioning. So the parameters were the progress of the students, the kind of contribution we have made during the COVID time, during the lockdown period, the kind of results our students have got, the kind of placements our school students have achieved till now, and what is the happiness index of our staff. तो वो सब पैरामीटर्स जी व्हाट हैपेंस बेसिकली ऑल ऑफ अस नीड टू बी अप्रिशिएटेड। एंड आई फील के अगर हम एजुकेशन सेक्टर देखा जाएगा, सभी जो बाकी प्रोफेशंस है उनको जो पैदा करता है वो एक टीचर ही करता है, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सेटअप है हमारी कंट्री का, तो यहाँ पे टीचर्स को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। टीचिंग इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ सेकेंड ऑप्शन। अगर किसी और प्रोफेशन में नहीं जाएगा फिर कोई टीचर टीचिंग में जाएगा। बट ये एक्चुअली वॉश आउट करने के लिए कि नहीं, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो वन कैन अचीव एंड प्रोग्रेस। तो उसलिए एक टीचर को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर एक टीचर ही खुश हो जाए, अगर एक टीचर खुश रहे तो ऑटोमेटिकली जो वो अपना जो डिलीवरेंस देगा वो इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। चीज़ मैं आपको कहूँगी, व्हेन आई वाज कॉल्ड देयर फॉर द अवार्ड, जो एंकर थे वो सोपोर को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, यू नो, देन दे हैड आई हैड टू टेल देम एंड दे रिपीटेड इट, या दे रिपीटेड इट ट्वाइस और थ्राइस। सो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट कि थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन है कि एटलीस्ट सोपोर का नाम माशाल्लाह हमने एक ग्लोबल लेवल पे लाया। फंडा है हमारा, जो फंडा है हमारा, हमारा कोविड रहे, हमारा कोई और लॉकडाउन रहे, जो भी हो, हमारा ये फंडा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो लॉकडाउन प्रीवियसली भी हमारे स्टेट में हुए हैं और जो कोविड की वजह से भी हुआ, बट वी हैव मेड श्योर कि जितना हमसे हो सके, वी कैन नॉट से 100%, बट जितना हमसे हो सके, हमारे स्टाफ से हो सके, तो वी मेक श्योर कि वो अचीव कर ले। वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्नड। मैम, यू आर द पेरेंट्स स्टिल, देयर आर पेरेंट्स, दे आर नॉट अलोन देयर डॉटर्स टू वर्क इन, स्पेशली यू नो, इन स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस। नहीं, व्हाट आई वुड से, इफ यू लुक एट द ओवरऑल सिस्टम राइट नाउ, आई थिंक गर्ल्स आर डूइंग वे वे बेटर देन बॉयज। आई एम सॉरी टू से दिस स्टेटमेंट बिकॉज आई हैव द कंप्लीट मेल डोमिनेटेड, यू नो, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई थिंक ओवरऑल फीमेल फोक इज
you know, making headlines everywhere, be it in any profession. I look at my school, maximum my staff out here is, you know, dominated by the females. The girl students are doing exceptionally good, be it academics, be it sports, be it any extracurricular activities, you know. We haven't left behind anything. So I think parents should encourage their, you know, girls. Give them an opportunity, not only to the girls, as well as to the boys. Give them an opportunity to go ahead with that profession, go ahead with that subject where actually their heart lies. The seminar I was in, the function we were in, we had a briefing about the vocational skills as well as, you know, the trainings which has actually come up with this NEP, the new education policy. So looking at that, very soon hamare 6th mein bacche ko abhi kal select karna padega ki which subject he or she wants to make a future in, like what happens in the European countries and elsewhere. So I think we have to change our mindset. Parents ko sirf marks ke piche ab daudna nahi chahiye. They have to look at what is the caliber and what is the capacity of a child. Kis mein uska man hai, kis mein uska dil hai. Hamare paas profession hai ya medical ya engineering. Ab hamara raju ho gaya hai IAS or KAS ki taraf. But there are so many other professions. There are so many other professions. Hamari jo generation hai, wo usme apna naam kama sakte hai. Apna naam leke, wo baakiyon ko bhi ek employment opportunity de sakte hai. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.